तो हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। या थोड़ा सा अपसेट होते हो कुछ टाइम, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो एक घंटा जो आपका है वो आपका सिलेक्शन देता है। वो एक घंटा एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो, वो एक घंटा आपके लिए आपकी लाइफ डिसाइड करता है। नहीं कि 12 महीने तैयारी करते हो, अच्छी करते हो, लेकिन वो लास्ट का उस दिन एक घंटा आपका परचेंस हो, माइंड से आप परचेंस नहीं हो, फिजिकल परचेंस हो, तो आपका भैया सिलेक्शन नहीं होगा। और अब अमृतपाल जी के टाइम को मात्र 560 सीट हुआ करती थी, 560 सीट और राजस्थान। पहले तो प्योर साइंस का, तो मेडिकल केमिस्ट्री थी, बायो थी, वो थी। अब आपके बहुत ईजी है, तो उसमें वो नहीं है। आप मोस्टली जो ईजी टॉपिक है उसको देखिए, आप केमिस्ट्री Thank you.
और पूरा जैसे अपना खेत है, पांच बीघे पट्टी है, तो उसमें सारा डाटा आता है, इसमें डिप करना होता है, यहाँ एक प्योर लगी होती है और सेट करती है सैंपल, इसमें जैसे लक्ष्मी कितनी कितनी है, जैसे 23 किलो पासपोर्ट आया है और प्रोडक्शन प्रोग्राम जहाँ पर हम कंपनी या यूनिवर्सिटी से जहाँ से साइंटिस्ट ब्रीडरशीट डेवलप करते हैं वहाँ से नई वैरायटी को लाते हैं और हमारे सिलेक्टेड ग्रोवर्स या फार्म हाउस जो है उसको दे देते हैं फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ब्रीडरशीट इसे बोलते हैं। फर्स्ट शीट जो होता है साइंटिफिकली जो डेवलप होता है उसको ब्रीडरशीट बोलते हैं, राइट। येलो कलर का उसका क्या होता है, टैग होता है गोल्डन येलो, तो वो हमारा एक ब्रीडरशीट होता है। उसको बीज के बनाने के लिए हम लोग शुरू से प्रयासरत रहते हैं। ब्रीडर अपना रिसर्च से जहाँ कर रहा होता है वहाँ से सारे पैरामीटर टेस्ट होने के बाद में वैरायटी रिलीज करता है, उसके बाद उसको सिलेक्ट होने के बाद ही आपको दी जाती है ग्रोवर्स को। तो वही वैरायटी उसी पैरामीटर को देखते हुए सीड सर्टिफिकेशन भारत सरकार के जो है इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो क्रॉप वाइज सीड वाइज होते हैं उनके पैरामीटर में हम लोग उसको फील्ड को यहाँ से सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और हमारी एक टीम स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की सीड ऑफिसर के रूप में स्टेट